माफी चाहूंगा शकील अख्तर जी, आपके पास। शकील जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? खबर दिल्ली से भी आ रही है, कांग्रेस की खबर जो है, और कल से लेकर आज तक अब तो बड़े बड़े चैनल, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े चैनल जो हैं, वो कह रहे हैं, उनकी आज हेडिंग्स, इसी कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था तो हेडिंग्स देख रहा था, सब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तारीफ करने लगे हैं। शकील जी, ये क्या चल रहा है? इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ा चैनल लिख रहा है, दूसरा लिख रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब तो तीन तीन दलों के साथ गठबंधन होने की कगार पर है, कोई कुछ और लिख रहा है, यह परिवर्तन कैसे दिखाई दे रहा है? और एक बात और, शायद और अच्छी तरह से आप बताएंगे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो सिक्योरिटी है, जेड से जेड प्लस कर दी गई है, क्या उनको अब गृह मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देख रहा है क्या? देखिए, खड़गे जी ने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। जी आज उन्होंने अपने नाम से एक चिट्ठी अखिलेश यादव को, फॉर्मल इनविटेशन जिसको कहते हैं, वो लिख के वहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और पीएल पुनिया, जो पूर्व सांसद हैं और जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उनको पहुँचाई। और वो दोनों इसको लेके अभी से थोड़ी देर पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में गए हैं और वहाँ उन्होंने उसको दी है कि अखिलेश यादव जी जो है वो यात्रा में शामिल हो, इसके लिए हम आपको एक फॉर्मल इनविटेशन दे रहे हैं। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, इससे जाहिर है कि जो मेन मीडिया है और जो बीजेपी है, दोनों में हलचल होगी ही होगी। अभी तक ये समझ रहे थे वो कि जैसा बंगाल में हुआ, और बंगाल में कुछ गलतफहमी फैल गई और ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे इन्वाइट किया ही नहीं, तो कांग्रेस ने आज उस तरह की कोई बात न हो उसको दूर करने के लिए अभी अभी ये काम किया है जी। अभी थोड़ी देर में दूसरे चैनल भी इसको दिखा देंगे, हमने उसको डाल दिया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जो आपने जिक्र किया था कि ये समझौते जो है राहुल गांधी के प्रयास से हो रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं अब इस बात को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि चुनाव का टाइम बहुत कम है। 10 मार्च को पिछली बार नोटिफिकेशन इशू हुआ था, और 10 मार्च में अब 15-16 ही दिन बचे हैं, फरवरी खत्म होने वाला है और मार्च शुरू होने वाला है। तो उससे पहले सारे के सारे जितने भी सीट शेयरिंग के काम हैं वो करीब करीब पूरे हो जाएंगे। 200 सीटों पर अभी करीब करीब सहमति बन चुकी है। और जो आप तीन राज्यों का जिक्र कर रहे थे, उसमें सबसे पहले हम यूपी की बात करेंगे। यूपी का समझौता जो है वो इंडिया गठबंधन के विरोधियों और खासतौर से गोदी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनकी सारी उम्मीदें जो थी वो अखिलेश यादव से थी। उन्हें लग रहा था कि रायबरेली गए नहीं अखिलेश यादव, पहले 11 सीटें दी थी, अब ज्यादा देंगे नहीं, जैन से समझौता टूट चुका है, वो सारी अकेले लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने 16 सीटें देके कांग्रेस को वो सारे के सारे लोगों की जो उनकी खुशियां थी उनको छीन लिया है। और यूपी का सबसे बड़ा राज्य है, यूपी ही यह डिसाइड करता है कि देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन आगे बढ़ेगा, किसकी कितनी सीटें आएंगी। और यूपी के बाद दूसरी जगह कौन सी करती है, जो मैसेज है वो दिल्ली से जाता है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, और जो 7 सीटें जीतता है वो केंद्र में सरकार बनाता है। 1977 में जब विपक्ष एक होकर लड़ा जनता पार्टी के नाम से, 7 सीटें जीत ली और केंद्र में सरकार बना ली। 80 में इंदिरा गांधी ने वापसी करी और 7 सीटें जीत ली और वापस सरकार बनाई। 2014 में मोदी जी पूरी 7 सीट जीत कर आए थे दिल्ली की, और यहां से उन्होंने सरकार बनाई। और अब दिल्ली का गठबंधन फाइनल हो चुका है। दूसरा, कांग्रेस इस बात को मान गई है कि वो इसके बदले में हरियाणा में सीट दे देगी, गुजरात में दे देगी, गोवा में दे देगी। यानी कि आप और कांग्रेस के बीच जो सबसे बड़ा एक कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी, आप और ममता बनर्जी, तीनों के बीच में अब गलतफहमियां खत्म हो गई हैं। ममता बनर्जी भी सीट देने को तैयार हो गई है, वो भी पश्चिम बंगाल में सीट दे रही है कांग्रेस को, यहां आप और कांग्रेस कर रही है। यूपी का हमने देख ही लिया, तमिलनाडु में कोई मसला नहीं है, बिहार में कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन
एक सीट पर एक चुनाव लड़ेगा और यह संख्या करीब 350 के आसपास पहुंचने वाली है। जी तो आप सोच सकते हैं कि जब 350 से और 350 से ऊपर जो 400 भी जा सकती है एक सीट पर एक लड़ेगा, यानी कि मोदी विरोधी वोट बटेंगे नहीं, और यही इंडिया गठबंधन का उद्देश्य था। देखिए राजीव जी, आज की तारीख में मोदी को चैलेंज करने का, उनसे मुकाबला करने का एक ही मंत्र था, और वो मंत्र ये था कि एक सीट पर एक आदमी चुनाव लड़े ताकि वोट किसी भी हालत में बटे नहीं। और इसमें जो इंडिया गठबंधन ने सफलता प्राप्त की है इससे सारे लोग हिल गए हैं, और अभी तो ये शुरुआत है। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पे कुछ नए समझौते और हो सकते हैं। वो लोग जो अभी तक अनिश्चित हैं, जिसे कहते हैं फेंस में बैठे हुए हैं, जो लगता है कि एनडीए के हिस्से हैं, जो लगता है कि कांग्रेस के विरोधी क्षेत्रीय दल हैं, हो सकता है वो भी इंडिया गठबंधन से हाथ मिला ले। जी। क्योंकि जो फेंस में बैठे हुए लोग हैं वो आखिरी आखिरी तक ये देखते हैं कि कौन बढ़त ले रहा है, और ऐसी स्थिति का फायदा जो है सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को होगा। और इसका एक छोटी सी बात और कहकर हम अपनी बात खत्म करेंगे कि ये जो कांग्रेस के बैंक अकाउंट पे आज डाका डाला गया है, जिसके लिए आज अजय माकन ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केसी वेणुगोपाल ने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि घबरा के, एक तो आपने ये बताया ही कि सतपाल मलिक क्या छापे पड़ रहे हैं, वो तो हम सब ने देखा ही, और दूसरा कांग्रेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए आपने। कोई किसी के बैंक अकाउंट से कैसे पैसे निकाल सकता है? लेकिन इनकम टैक्स ने, जो भी राहुल कह रहे थे कि मुझसे भी वो यही कहते हैं कि साहब हम क्या करें, सतपाल मलिक से भी यही कहते हैं, और वही उन्होंने अजय माकन से कहा कि साहब हम क्या करें, आपके अकाउंट से पैसे निकालना पड़ रहे हैं, और 65 करोड़ से ऊपर रुपया जो है कांग्रेस का इनकम टैक्स ने ले लिया। ये कोर्ट में आज अजय माकन ने बहुत दावे के साथ कहा, और सबको मालूम है कि कोर्ट से पैसा रिलीज हो ही हो जाएगा, लेकिन कब होगा, क्या चुनाव के बाद? उन्होंने कहा कि 2016 में नोटबंदी की गई थी, ठीक यूपी चुनाव से पहले, और आज जब चुनाव का नोटिफिकेशन होने वाला है तो ये हमारे बैंक खातों में डाके डाल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जैसा आप बता रहे थे कि जनता खड़ी हो गई है, और दूसरी बात इंडिया गठबंधन एक हो गया है, तो अब ये सारी की सारी ट्रिक्स जिसे कहते हैं वो चलने वाली नहीं है। आज की तारीख में मुकाबला बहुत सीधा होने वाला है, इंडिया गठबंधन वर्सेस मोदी, और उसमें जो है वोट शेयरिंग जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट होगी, कि एक सीट पर एक लड़ने का फायदा यह होगा कि एक भी वोट जो है इधर उधर नहीं जाएगा। और ऐसी स्थिति में 36% वोट लाने वाला, 37% वोट लाने वाला बीजेपी जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीतने के लिए किसी को भी 40% और उससे ऊपर वोट लाना पड़ेंगे, और वो इंडिया गठबंधन के सब दलों के मिला के